नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान आतंकी संगठन आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट की कार बम हमले की धमकी अब गंभीरता से ली जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर धमकी भरे ट्वीट की लोकेशन मांगी है। सुरक्षा एजेंसियों ने जल्द से उन कंप्यूटर्स की IP एड्रेस मांगी गई है जहां से धमकी भरे ट्वीट किए गए थे। जिन कंप्यूटर से ट्वीट किए गए उनके IP एड्रेस के छुपे होने के चलते भारतीय एजेंसियां पता नहीं लगा पा रही हैं। इसलिए एजेंसियां किसी भी हाल में धमकी को गंभीरता से ले रही हैं और इसको गंभीरता से समझना चाहती हैं। कुछ ही दिन पहले IS आतंकियों ने ट्वीट कर कहा था कि सुना है अल्लाह का दुश्मन ओबामा जल्द भारत आ रहा है, भारतीय मुसलमान रसायन का इस्तेमाल करने में पारंगत हैं और रसायन कार बम हमला एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसी बातें लिखी गई थी इस धमकी भरे ट्वीट में। अब आपको यहाँ पे ये भी बताते चले कि अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने 3 दिन के भारत दौरे के लिए आज रवाना होंगे। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, क्योंकि IP एड्रेस मास्क है और क्योंकि पता नहीं चल पा रहा कि किस कंप्यूटर से इन्हें ट्वीट किया गया, ये अपने आप में गंभीर बात है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां किसी भी इस तरह के खतरे को और इस तरह की धमकी को हल्के में नहीं ले सकती, उनको उसकी पड़ताल में उसकी तह में जाना ही पड़ता है। और आप अगर देखें तो पिछले कुछ समय से मेहदी असरूर बिस्वास की का अरेस्ट हो, मुसलमान मोइनुद्दीन का अरेस्ट हो हैदराबाद से बीते दिनों, ये लगातार कई ऐसी घटनाएं हैं क्योंकि भारत बहुत पहले ये कहता रहा कि भाई भारत के आतंकी जो हैं, भारत के जो मुस्लिम हैं या भारत के जो लोग हैं वो आतंकवादी संगठनों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन ये हाल की जो घटनाएं और ISIS का जो फिनोमेना के तौर पर उभरा है तो उसमें ऐसी कई चीजें सामने आई हैं जिसमें भारतीय एजेंसियां अब ये दावे नहीं कर सकती हैं। और इसके बाद चूंकि अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा का मामला है और स्वाभाविक रूप से ये भारत के लिए आतंकवाद पे अब किसी भी मोर्चे पे हम जरा भी कोताही नहीं बरत सकते, तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए पड़ताल की जा रही है और ट्विटर से जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल का अहम अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए प्रणय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।